तीसरे तरह का आंदोलन कृषक आंदोलन। भारत एक कृषि प्रधान देश है, 70-80% जनता कृषि पर आधारित है। जहां इतनी बड़ी संख्या कृषि पर आधारित हो, वहां क्या ऐसा संभव है कि सभी कृषक खुश रहें, संपन्न रहें? और खासकर भारत कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है और साथ ही एक निर्धन देश के रूप में भी जाना जाने लगा था। गत 200-300 वर्ष भारत के गरीबी के वर्ष थे। ऐसे वर्ष जब कृषि प्रधान देश होते हुए भी भारत में अकाल पड़ते रहे, भुखमरी होती रही, खाद्यान्न की समस्या जब तब आ जाती थी, आदि आदि। तो ऐसा कैसा कृषि प्रधान देश, इसकी अपनी बहुत सी समस्याएं थीं और किसानों के बीच में बहुत से असंतोष के कारण थे। आधुनिक भारत में भी कृषि सबसे महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन है। स्वतंत्रता के बाद कृषि आंदोलन कई महत्वपूर्ण हुए और उनके माध्यम से कृषि में सुधार भी हुआ, आधुनिकीकरण भी हुआ। उनकी स्थितियों को ध्यान में रखकर कुछ कानून बनाए गए, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में भी इन किसानों की बहुत अहम भूमिका रही, इनकी सहभागिता रही। वैसी ही जैसे कि सामाजिक सुधारकों की, वैसी ही जैसी श्रमिक संगठनों की। इस संदर्भ में हम 1855-56 की ओर जाते हैं, जब संथाल विद्रोह हुआ था, संथाल परगना। ये विद्रोह बड़ा प्रसिद्ध विद्रोह भारत में किसानों के द्वारा माना जाता है। संथालियों के विद्रोह को यद्यपि कुचल दिया गया, बहुत बेरहमी से संथालियों के साथ अंग्रेजों का व्यवहार रहा, परंतु 1885 में सरकार ने बंगाल काश्तकारी अधिनियम पास करके संथालों की कुछ बातों को मान लिया। संथालों का आंदोलन हुआ था 1855 में, और यह आंदोलन की भूमिका कम से कम इसके पहले 20-30 वर्षों में बनी होगी। यानी संथालों की जो समस्याएं थीं वो लगभग 1820-25 से प्रारंभ हो गई थीं। उन्होंने 1855 में आंदोलन किया, उसे अंग्रेजों द्वारा सफलतापूर्वक कुचल दिया गया, और लेकिन जो समस्याएं थी उनकी बनी हुई थी। अंततः अंग्रेज लोग विवश होते हैं इनके पक्ष में कुछ कानून बनाने के लिए, जिसे कहते हैं बंगाल काश्तकारी अधिनियम। इसमें संथालों की कुछ मांगों को मान लिया गया। तो इस प्रकार ये पहला विद्रोह एक बड़ा प्रसिद्ध विद्रोह कहलाता है, संथाल परगना क्षेत्र का उद्योग। इसके साथ ही बंगाल में एक और विद्रोह होता है, नील कृषक विद्रोह। नील की खेती से तात्पर्य क्या है? नील यानी इंडिगो, जो कपड़ों को सफ़ेदी देने के लिए जो लगाया जाता है, उसका बहुत उत्पादन होता था। और अंग्रेज लोग भारतीय किसानों को इसके उत्पादन के लिए दबाव डालते थे। नील की खेती करने वाले किसानों पर दबाव डालकर उत्पादन कराया जाता था, लेकिन इस उत्पादन का पूरा लाभ इन कृषकों को नहीं मिलता था। दरभंगा, चंपारण, यहाँ के जो काश्तकार थे, इन्होंने 1866-68 में विद्रोह किया सरकार की इस नील नीति के खिलाफ। तो नील से जुड़े हुए किसानों ने विद्रोह किया। चंपारण के जो मुख्य उत्पादक थे, जो मालिकाना हक रखते थे, यूरोपियन लोग थे, ये इनका बड़ा अमानवीय शोषण भी करते थे। और जैसा मैंने अहमदाबाद का जिक्र किया महात्मा गांधी के साथ, वैसे ही महात्मा गांधी यहाँ भी अपना एक प्रयोग करते हैं। अपने सत्याग्रह के प्रयोग के लिए किसान विद्रोह में भी शामिल होते हैं, और गांधी के नेतृत्व में 1917 में ये आंदोलन होता है। देखिए, अहमदाबाद का आंदोलन 1918 में हुआ, पर चूंकि हमने श्रमिक आंदोलन
का अध्ययन पहले किया है, इसलिए गांधी के इस आंदोलन का अध्ययन पहले हो गया, यद्यपि आंदोलन उनका दूसरा आंदोलन था भारत में, और इसमें भी उन्हें सफलता मिली। 1917 के आंदोलन में उन्होंने चंपारण के नील कृषक लोगों को संगठित किया और इनकी मांग को अंग्रेजों तक पहुंचाने का प्रयास किया, और ये पूरा जो आंदोलन था ये शांतिपूर्वक रहा। नील का उत्पादन बंद कर दिया गया, सरकार ने शुरू में बड़े कठोर कदम उठाए पर बाद में दबाव में आकर इन्हें सुधार के लिए विवश होना पड़ा, और इसी सुधार का प्रयास था कि कुछ नए कानून बने। उनके सामने झुकते हुए अंग्रेजों ने चंपारण कृषि अधिनियम बनाया। एक तो अधिनियम पहले बना था जिसे हम बंगाल काश्तकार अधिनियम कहते हैं, अब यहाँ चंपारण कृषि अधिनियम बनाया जाता है जिसके तहत नील उत्पादकों के द्वारा जो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया जा रहा था वो मुनाफे में रोक लगा दी गई। ऐसा कहा जाता है कि शायद दो तिहाई उत्पादन जो प्रॉफिट था उसका दो तिहाई हिस्सा उनको जाता था, तिगाड़ा संभवतः नाम इसी उद्देश्य में आया। चंपारण कृषि अधिनियम 1917-18 के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो गांधी द्वारा होता है चंपारण बिहार। ऐसे 1929-30 में गांधी के ही कहने पर सरदार पटेल एक और आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और वह होता है गुजरात में। सरदार पटेल द्वारा गुजरात में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व करना, ये भी एक कृषक आंदोलन था। सन 1940 का जो तेलंगा, और ये कृषक आंदोलन जो था सरदार पटेल का, ये भी सफल रहा, और ये आंदोलन की सफलता को लेकर पूरे देश में लोग और आंदोलित हुए, और इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एनर्जी देने में, नई ताकत देने में, नई ऊर्जा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और सरदार पटेल इस आंदोलन की सफलता के बाद काफ़ी मुखर होते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में सामने आते हैं। 1940 में तेलंगाना में भी कृषक आंदोलन हुआ था पर दुर्भाग्य से वह उग्र रूप ले लेता है, हिंसात्मक रूप ले लेता है। भारत में कहने का तात्पर्य यह है कि किसानों ने भी मजदूरों की तरह अपनी स्थिति को लेकर विरोध किया, विद्रोह किया, और हिंसात्मक और गैर हिंसात्मक दोनों तरीके अपनाए। कृषक आंदोलनों में हम सरदार पटेल का नाम पाते हैं, कृषक आंदोलन में हम गांधी का नाम पाते हैं, जैसे कि मजदूर आंदोलन में लाला लाजपत राय और कुछ अन्य नाम, प्रसिद्ध नाम। भारत के किसान आंदोलन की यदि हम बात करें तो जैसे श्रमिक आंदोलन में AITUC, INTUC, मजदूर सभा आदि के नाम आते हैं, आदि संगठनों के, ऐसे ही कृषक आंदोलन में भी कुछ संगठन बड़े प्रसिद्ध हुए, जिसमें पहला है रैयत सभा, रैयत अर्थात किसान। 1923 में इसकी स्थापना होती है, फिर एक किसान और मजदूर सभा, उसकी भी स्थापना 23 में, किसान मजदूर पार्टी 1925, मजदूर किसान पार्टी 1926, बिहार किसान सभा 1934, प्रादेशिक किसान सभा 1935, फिर आता है अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी स्थापना होती है 1936 में। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार मजदूरों के द्वारा संगठित प्रयास की शुरुआत होती है और इसकी परिणति अंततः अखिल भारतीय मजदूर यूनियन के रूप में होती है, ऐसे ही किसानों द्वारा भी क्षेत्रीय स्तर पर, पहले स्थानीय स्तर पर, फिर क्षेत्रीय स्तर पर, और धीरे धीरे अखिल भारतीय स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, संगठित किया जाता है और आंदोलन होता है। भारतीय किसान यूनियन और किसान हितैषी आंदोलन, किसान यूनियन और किसान हितैषी आंदोलन, 20वीं सदी के उत्तरार्ध की यदि बात करें,
70 के दशक की खासकर बात करें तो हम जानते हैं कि ये वो काल था जो असंतोष का काल था। सभी तरह के असंतोष से भारत का जनमानस उग्र हो चुका था, जिसकी परिणति राजनीतिक भूचाल के रूप में होती है, जिसका अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। किसान भी इस असंतोष से अछूता नहीं था। समाज के जिन तबकों में विकास हुआ था, समाज के जिन तबकों ने विकास को कुछ महसूस किया था, वे भी सरकार से नाराज चल रहे थे। उनमें भी राजनीतिक दलों के प्रति नाराजगी थी, सरकार ही नहीं राजनीतिक दलों के प्रति नाराजगी हो चली थी। इसी में 80 के दशक का जो कृषक संघर्ष है, वह एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है इस काल का। जबकि अपेक्षाकृत धनी किसान भी सरकार की नीतियों का विरोध करने लगते हैं। मैं बात कर रहा हूं 80 के दशक का, जिसमें लगभग अपेक्षाकृत धनी किसान भी सरकार का विरोध करते हैं। इसके मायने क्या हैं? धनी किसान भी विरोध करते हैं। आपको याद होगा 1966-67 में हरित क्रांति होती है, श्वेत क्रांति होती है, और इन क्रांतियों के मद्देनज़र, इन क्रांतियों के कारण समाज का ये तबका, जिसे हम कृषक समाज कहते हैं, उसे फ़ायदा होता है, उसकी स्थिति बेहतर होती है। पहले की निर्धनता से वे कुछ हद तक उबर पाने में सफल होते हैं, तो उस हद तक ये लोग थोड़ा धनी भी हो चुके थे, थोड़ा संपन्न भी हो चुके थे। ये लोग भी अब सरकार के खिलाफ मुखर होते हैं, आवाज उठाते हैं। तो ऐसे आंदोलनों में से कुछ आंदोलन यहाँ, तो अगला बिंदु है किसान आंदोलन और उसका उदय। सन 1888 जनवरी, मेरठ उत्तर प्रदेश जगह, वहाँ वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से नाराजगी चल रही थी, असंतोष चल रहा था, और असंतोष के बहुत से कारण थे, जिसमें महंगाई एक बहुत बड़ा कारण था। वहाँ एक जगह 20,000 किसान इकट्ठा होते हैं, 20,000 अपनी खेती बाड़ी छोड़कर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर कितना असंतोष पनप रहा होगा। और ये किसान सरकार की विभिन्न नीतियों से नाराज तो थे ही, पर एक तात्कालिक कारण जो था, जिसने उनको सड़क पर आने के लिए विवश किया, वह था बिजली के दरों में वृद्धि। बिजली के दरों की वृद्धि के मायने किसान के लिए बहुत थे, क्योंकि अब जो हैंड पंप या पंप के लिए जो बिजली लगती थी, पंप चलाने के लिए, खेतों में पानी देने के लिए, अब उसके कारण उनके खर्च और बढ़ जाते, और बहुत से अन्य खर्च तो वैसे ही बढ़े हुए थे। तो बिजली की वृद्धि ने उन पर एक तरीके से बड़ा कड़ा प्रहार किया और उनको विवश किया कि वो सड़क में आए, तो उसके विरोध में ये लोग इकट्ठे हुए थे। किसान जितने थे, वे जो जिले में जो समाहर्ता अधिकारी रहते हैं, जो इकट्ठा करते हैं लगान और ये पैसे वगैरह, बिल वगैरह, उस समाहर्ता अधिकारी के दफ्तर में भी 3 सप्ताह तक डेरा डाले रहे। 3 सप्ताह यानी करीब 20 दिन से ऊपर वहाँ पड़े रहे। दबाव इतना पड़ा कि सरकार को अंततः झुकना पड़ा। इस झुकने का एक कारण और भी था कि सरकार इन किसानों को की आवाज़ को कुचल नहीं पाई, और कुचल ना पाने का कारण, इन पर कोई पुलिसिया कार्रवाई ना कर पाने का कारण, इनको इनके जो एक जगह इकट्ठे हुए थे, इसको तितर बितर ना कर पाने का कारण ये था कि ये किसान है थे यद्यपि 20,000, लेकिन बड़े अनुशासित ढंग से शांतिपूर्वक उस अधिकारी के दफ्तर के सामने बैठे रहे 3 सप्ताह।
तो इसलिए सरकार के पास कोई ऐसा कारण नहीं था कि इस भीड़ को तितर बितर करे। अंततः दबाव बनता है सरकार पे और सरकार इस बढ़ी हुई बिजली की दरों को वापस ले लेती है, झुक जाती है। खास बात यह है इस आंदोलन की, मेरठ के इस आंदोलन की, कि जब 3 सप्ताह तक 20,000 किसान वहां थे कैसे, इनके भोजन पानी की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था कैसे हुई, तो आश्चर्य होगा कि उस क्षेत्र के आसपास के लोग वॉलंटरली स्वयमेव भोजन आदि की व्यवस्था कर रहे थे। और इसलिए किसान लोग वहाँ बिना किसी बाधा के बैठ सके सतत रूप से और दबाव बनाने में अंततः सफल हुए। तो किसान आंदोलन को एक जन सहयोग मिला, यद्यपि वे जन लोग स्वयं इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए, पर परोक्ष रूप से इन्होंने किसानों को के आंदोलन को बनाए रखने में मदद तो की। ये बताता है जन सहयोग का उदाहरण। आसपास के गांव से लगातार इनको राशन पानी भोजन आदि आता रहा, इनके खान पान की व्यवस्था होती रही। भारतीय किसान यूनियन द्वारा मेरठ में जो 1988 में बड़ी विशाल सभा और धरना जो किया गया था, उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस धरने को ग्रामीण शक्ति का रूप माना गया, ग्रामीण शक्ति का एक प्रदर्शन माना गया, काश्तकारों की शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण माना गया, एकजुट रहने की सफलता का एक सक्षम उदाहरण माना गया। और इसने, इस आंदोलन की सफलता ने, इस आंदोलन की पृष्ठभूमि ने दूसरी जगह के लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। तो किसान आंदोलन, मेरठ का किसान आंदोलन इस बात के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस आंदोलन की सफलता ने अन्य जगहों को आंदोलित किया। इस आंदोलन की सफलता के पीछे जन सहयोग के तत्व ने दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसी भावना को संचार किया, बढ़ाया। कालांतर में बाद में भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में और हरियाणा में भी किसान संगठन बनाने में सफल होता है। और ये 80 के दशक के किसान आंदोलनों में भारतीय किसान यूनियन एक अग्रणी संगठन बन जाता है, BKU। आज भी यह BKU अपनी शक्ति की अहमियत जब तब सरकार को और सत्ता को कराते रहता है। देश के सरकार ने जब हरित क्रांति की नीति अपनाई थी तो 60 के दशक में, उसके खासकर अंतिम वर्षों में 67, 68, 69 में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इनके किसानों को फ़ायदा मिलना शुरू हो गया था हरित क्रांति के फलस्वरूप। इन इलाकों में गन्ना और गेहूं मुख्य नगदी फसल बन गई। कौन कौन सी? गन्ना और गेहूं, कमर्शियल क्रॉप, नगदी फसल अर्थात कमर्शियल क्रॉप बन गई। 80 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण होता है, लिबरलाइजेशन होता है इंडियन इकोनॉमी का, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इस क्रम में नगदी फसल के बाज़ार को एक तरीके से संकट का सामना करना पड़ता है। कमर्शियल क्रॉप मार्केट जो है उस पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, इस लिबरलाइजेशन का। भारतीय किसान यूनियन ऐसी स्थिति में गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीदी मूल्य में बढ़ोतरी की मांग करता है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे हम कह सकते हैं, उसके न्यूनतम कीमत को तय करने की मांग करता है। सरकार के द्वारा खरीदे जाने पर न्यूनतम कीमत में वृद्धि की मांग करता है। दूसरी मांग, कृषि उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर जो पाबंदी लगा दी गई थी उसको हटाने की मांग करता है। अर्थात उत्तर प्रदेश में यदि किसानों ने भरपूर गेहूं पैदा किया है तो उचित कीमत पाने के लिए उन्हें दूसरे क्षेत्र में गेहूं को भेजने और उसे बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। उस पर पाबंदी क्यों? कई बार ऐसा भी देखा गया कि एक क्षेत्र में किसी अनाज का सरप्लस है तो
तो दूसरे क्षेत्र में इस आवाजाही की पाबंदी के कारण अनाज खाद्यान्न का संकट बना है, जनता वहाँ परेशान हो रही है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। तो ऐसी बड़ी विषम स्थितियाँ हो गई थी उस काल में। तो उनकी दूसरी मांग थी आवाजाही पे लगाए गए प्रतिबंध को हटाया जाए, आवाजाही पर अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर, अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगाई गई पाबंदियों को हटाया जाए। तीसरी उनकी मांग थी उचित दर पर गारंटीशुदा बिजली आपूर्ति, उचित दर पर गारंटी के साथ बिजली की आपूर्ति की जाए। मतलब किसी भी तरह का, उनको पूरी शंका थी कि अब चूंकि हम सफल हो गए हैं सरकार पर दबाव बनाने में, सरकार विवश हो गई है बिजली की वृद्धि, बिजली दर की वृद्धि को वापस लेने में, तो अब सरकार दूसरे हथकंडे अपना सकती है हमें परेशान करने के लिए। और उसे शंका थी कि उन हथकंडों में एक हथकंडा होगा जब तब बिजली की सप्लाई को बंद कर देना। तो इसलिए तीसरी मांग इन्होंने रखी, उचित दर पर गारंटीशुदा बिजली आपूर्ति की मांग। और चौथी मांग थी इसके साथ ही कि आवाजाही के अलावा उन्हें कुछ अन्य सुविधाएं जैसे पेंशन, आवाजाही में पाबंदी को हटाने के अलावा किसानों ने पेंशन की भी मांग रख दी। ये एक बड़े नई तरीके की मांग थी, इसकी उचित औचित्य पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन किसानों की मांग थी। और जब कुछ मांगों को पाने में कोई संगठन सफल होता है तो वो नई मांगें सामने रखता है इस उम्मीद में कि शायद सरकार अब झुकती चली जाएगी या सामने वाला झुकता चला जाएगा। तो इस प्रकार ये चार मांगें BKU के द्वारा रखी गई। किसान आंदोलन के उदय की यदि चर्चा करें तो उसकी कड़ी में चौथी बात आती है कि BKU द्वारा जो कमर्शियल क्रॉप का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने और नियमित रूप से बिजली आपूर्ति की गारंटी देने की मांग, जो अभी तक उत्तर प्रदेश तक सीमित थी, अब वो पूरे देश में फैल जाती है। कौन सी दो मांगे? गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य। खरीदी, सरकार द्वारा खरीदी का न्यूनतम मूल्य कौन सी क्रॉप का? कमर्शियल क्रॉप का। ये अब अन्य जगहों में भी ये बात फैलती है। महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन जो किसानों के हित में वहाँ काम कर रहा था, उसने भी आंदोलन किया और शेतकारी संगठन के आंदोलन को, शेतकारी संगठन ने किसानों के इस आंदोलन को एक बड़ा नया रूप दिया। वह रूप क्या था? इंडिया की ताकत बनाम भारत का संग्राम, इंडिया बनाम भारत। दोनों कार तो एक ही है, फिर इसके क्या मायने हैं? इंडिया से उनका अर्थ था शहरी औद्योगिक क्षेत्र और भारत से उनका अर्थ था शेतकारी संगठन के लोगों का ग्रामीण कृषि क्षेत्र। तो एक प्रकार से किसान आंदोलन को इस रूप में देखा जाने लगा कि यह औद्योगिक घराने शहरी औद्योगिक क्षेत्र बनाम ग्रामीण क्षेत्र के बीच की लड़ाई हो गई है। किसान आंदोलन के इस बदलते हुए रूप को, किसान आंदोलन के बढ़ते हुए दबाव को सरकार को जब तब झेलना पड़ा और किसानों के पक्ष में जब तब कानून बनाने पड़े। आंदोलन की सफलता इसी बात पर दिखती है कि उसने किस हद तक सत्ता को, किस हद तक शासन को प्रभावित किया है और अपने मांगों के पक्ष में किस हद तक उन पर दबाव बनाने में सफलता पाई। यदि हम किसी कृषि आंदोलन की विशेषताओं और गतिविधियों की बात करें तो वे कुछ इस प्रकार हो सकती हैं। पहला, सरकार पर अपनी मांगों के लिए, मांगों को मनाने के लिए दबाव बनाने के क्रम में BKU ने रैलियों का, प्रदर्शन का और जेल भरो आंदोलन का सहारा लिया। यानी किस तरह का यह आंदोलन था? शांतिपूर्वक तो था ही,
इसके अलावा अपनी मांगों को मनाने के लिए जो दबाव बनाने का जो तरीका था वो रैली आंदोलन, रैली प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन के रूप में था। इस कार्रवाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यदि आप देखें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में गांव के हजारों हजारों किसानों ने भाग लिया, लाखों किसानों ने भाग लिया। ये इसकी पहली विशेषता। इस काल में यानी 80 के दशक में BKU ने राज्य के अनेक मुख्यालयों में बहुत सारी रैलियां आयोजित की। देश की राजधानी दिल्ली में भी BKU ने एक बहुत सफल रैली का आयोजन किया। तो इस प्रकार पहली विशेषता रैलियों पर निर्भरता, भीड़ को, एक किसानों की भीड़ को एकत्रित करने की, किसानों की एकजुटता का प्रदर्शन का प्रयास इन रैलियों के माध्यम से। दूसरी विशेषता, इस एकजुटता या लामबंदी का एक पक्ष ये भी था कि इसमें किसानों को जातिवाद जुड़ाव का इस्तेमाल किया गया था। अर्थात BKU के अधिकांश सदस्य एक खास समुदाय के थे। इस संगठन ने जातिगत समुदायों को आर्थिक मसले पर एकजुट करने का प्रयास किया और इसलिए जाति पंचायत की परंपरागत संस्थाओं का उपयोग किया। इसके मायने क्या हैं, थोड़ा हम समझने की कोशिश करें। यदि हम BKU के सदस्यों की पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करें तो हमें लगेगा, हम ऐसा महसूस करेंगे कि शायद BKU के अधिकांश सदस्य किसी एक खास समुदाय के हैं और अन्य समुदाय अछूते रह गए हैं। ऐसी स्थिति में यदि BKU को अपना जनाधार बढ़ाना था, ऐसी स्थिति में BKU को यदि अन्य किसान संगठनों को साथ लेकर चलना था, उसकी मंशा थी, तो उसके लिए उसे कुछ अतिरिक्त प्रयास करना होगा। जातिगत भावना से बाहर आना पड़ेगा। और उसके लिए उसने क्या किया, उसके लिए उसने जातिगत समुदायों की आर्थिक मसलों पर एकजुट करने के लिए जाति पंचायत, जो कि हर गांव में एक परंपरागत संस्था हुआ करती थी, जातिगत पंचायत, इनकी मदद ली, इनका उपयोग किया। किसी औपचारिक ढंगठन के ना होने के बावजूद BKU लंबे समय तक टिका रहा, क्योंकि ये संगठन अपने सदस्यों के जाति वंशगत संपर्क जाल पर आधारित था, उस पर ये टिका रहा। एक तरीके का जाल ताना बाना बुन लिया गया था। BKU के लिए धनराशि और संसाधन इन्हीं ताने बाने से एकत्र हुए, इन्हीं संपर्क सूत्रों से एकत्र हुए, इन्हीं संपर्क यंत्रों से एकत्र हुए और इन्हीं के सहारे BKU की गतिविधियां भी चलती थी। तो मूलतः किसान आंदोलन के उदय की यदि हम बात कर रहे हैं तो उसके पीछे BKU की अहम भूमिका है और BKU की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार रही है। BKU की सफलता के कारणों पर जाएँ, उसकी विशेषता पर जाएँ, तो ये उसकी विशेषता दिखती है कि दलगत जातिगत राजनीति के बाहर आने का उसने प्रयास किया। सभी जातियों को का ऐसा जाला बुना कि उसमें से निकलना मुश्किल था। औपचारिक संगठन ना होने के बावजूद भी ये लंबे समय तक इसीलिए रह सका क्योंकि इसने ऐसा जातिगत और वंशगत संपर्क जाल बनाया था, संपर्क कॉन्टैक्ट, ऐसे कनेक्शंस बनाए थे और उन कनेक्शंस का इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया। जहाँ से उसे पैसा मिलता था आंदोलन चलाने के लिए, जहाँ उसे विभिन्न संसाधन मिलते थे, रिसोर्सेस मिलते थे आंदोलन को चलाने के लिए, जहाँ से उसे विचार मिलते थे अपने आंदोलन को चलाने के लिए, तो ये जो ताना बाना था, ताना बाना का सफलतापूर्वक बुना जाना भी BKU की सफलता का एक कारण था, भारतीय किसान यूनियन की सफलता का एक अहम कारण था। किसान आंदोलन के उदय और विशेषताओं की अगली कड़ी में हम पाते हैं कि 1990 के दशक की यदि बात करें आप, अभी तक तो हम 1980 के दशक की बात कर रहे थे, अब 1990 के दशक की बात करें तो शुरुआती काल में BKU ने
अपने को हमेशा राजनीतिक दलों से दूर रखा, यानी पूरी तरह गैर राजनीतिक रूप में ये पेश आया। ये अपने सदस्यों की संख्या बल के दम पर राजनीति में एक दबाव समूह की तरह काम कर रहा था। इनकी संख्या इतनी बड़ी थी कि राजनीतिक दल इनकी ओर हमेशा मुखातिर होते थे कि कैसे इनके साथ संबंध जोड़ा जाए। ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग राजनीति की ओर नहीं जाते थे, तो इनका बल, बाहुबल, सदस्यों की संख्या का बल इस रूप में एक दबाव समूह का ये काम करते रहते हैं और किसी भी तरीके से राजनीतिक दलों से कोई जुड़ाव अपने प्रारंभिक काल में नहीं रखते। इन संगठनों ने राज्यों में जो मौजूदा किसान संगठन थे उनके साथ मिलकर कुछ मांगे मनवाने में सफलता भी पाई। इस अर्थ में किसान आंदोलन 80 के दशक में सबसे ज़्यादा सफल सामाजिक आंदोलन माना जा सकता है। किसान आंदोलन के पहले मैंने श्रमिक आंदोलन का जिक्र किया, उसके पहले जो धार्मिक आंदोलन का जिक्र किया, ये धार्मिक आंदोलन मूलतः 19वीं शताब्दी के थे या 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के थे। स्वतंत्रता के बाद श्रमिक आंदोलनों का जिक्र होता है। यदि हम श्रमिक आंदोलन की तुलना में किसान आंदोलन की सफलताओं की बात करें तो निश्चित रूप से किसान आंदोलन ज़्यादा सफल रहे अपने उद्देश्यों की पूर्ति में, अपने उद्देश्यों को पाने में। और इस अर्थ में 80 के दशक में सबसे ज़्यादा सफल सामाजिक आंदोलन किसान आंदोलन, और इसके पीछे क्या कारण? गैर राजनीतिक प्रकृति और इनके सदस्यों द्वारा राजनीतिक मोल भाव की क्षमता। ये मोल भाव की क्षमता कहाँ से आई? संख्या के आधार पर। इनकी संख्या इतनी बड़ी थी और दलगत राजनीति से ये लोग उठे हुए थे, उससे परे थे, इसलिए इनके पास वो लेवरेज था, उनके पास ये ताकत थी कि वो मोल भाव कर सकते थे सरकार से, और उस मोल भाव में ही इन्होंने अपने बहुत से लक्ष्य साध लिए, अपनी बहुत से उद्देश्य पूरे करवा लिए। अगली विशेषता, किसान आंदोलन को यदि आप पाएंगे तो किसान आंदोलन मूल रूप से समृद्ध राज्यों में हुआ, समृद्ध राज्यों में ज़्यादा सक्रिय रहा। खेती को अपनी जीविका का आधार बनाने वाले अधिकांश भारतीय किसानों के विपरीत BKU के जो किसान थे वे लोग नगदी उत्पादन ज़्यादा करते थे, नगदी फसल ज़्यादा उगाते थे। तो जैसा एक और जैसे मैंने बताया कि BKU के लोग किसी खास जाति विशेष की सदस्यता की प्रचुरता उनमें दिखती है, उसी प्रकार BKU जो संगठन था इसमें हम पाते हैं कि इसमें कमर्शियल क्रॉप, नगदी फसल उगाने वाले किसानों की बहुलता है। और नगदी फसल उगाने वाले किसान जो थे वो सामान्यतया जो ट्रेडिशनल किसान थे उनकी तुलना में ज़्यादा धनी थे, ज़्यादा संपन्न थे। नगदी फसल उगाने का इनको जो फ़ायदा मिल रहा था उसके कारण की संपन्नता साफ दिखती थी। और ये संपन्न किसान मूलतः धनाढ्य राज्यों में थे, समृद्ध राज्यों में थे, इसीलिए BKU का जनाधार भी हम पाते हैं समृद्ध राज्यों में ज़्यादा था। ये इसकी अगली विशेषता। अब अंतिम विशेषता की बात करें तो BKU की तरह राज्यों के जो अन्य किसान संगठन हैं उन्होंने अपने समुदाय के बीच में ऐसे लोगों को रखा कि चुनावी राजनीति में जिनका रसूख था, चुनावी राजनीति में जिनका प्रभाव था। कुछ कुछ सदस्यों को उन्होंने राजनीति में डाल के रखा था या राजनीति के कुछ कुछ लोगों को जो प्रभावशील थे उन्हें अपने साथ संबंध बनाए रखा था। तो इस प्रकार से एक बड़ा लचीला संबंध इन्होंने राजनीति के साथ रखा था। महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन और ऐसे कर्नाटक का रैयत संघ ऐसे किसान संगठनों के जीवंत उदाहरण हैं जहां किसान संगठनों ने
अपने सदस्य उन समुदायों के बीच से बनाए जिनके क्षेत्र की चुनावी राजनीति में रसूख था। मैं फिर से दोहरा दूं, किसान संगठनों ने अपने सदस्य ऐसे लोगों को बनाया या उन समुदाय के बीच से ऐसे लोगों को लिया जिनका खुद का चुनावी राजनीति में प्रभाव था, रसूख था। और इसके दो अहम उदाहरण हैं, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र और रैयत संघ कर्नाटक। इस प्रकार श्रमिक आंदोलन के बाद हमने किसान आंदोलन को संक्षिप्त में समझ लिया।